हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असंभव डांस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ हेलोनिक्स का एक स्मार्ट बल्ब जो कि 12 वाट का है, और मैं इसको अलेक्सा और मोबाइल से कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। बट उससे पहले देखते हैं इसका बॉक्स में क्या क्या लिख के रखा है। और सबसे पहले तो आप लोग इसका बॉक्स का लुक देखिए, इतना बढ़िया एकदम बॉक्स, बहुत ही सुंदर बॉक्स है इसका, ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसका जो ब्रांड नेम है वो हेलोनिक्स है, कंपनी नेम हेलोनिक्स प्राइम 12 वाट LED। और इसमें लिखा हुआ मिलियंस ऑफ कलर्स, इसमें 16 मिलियंस कलर है बोलता है कंपनी की तरफ से, ये क्लेम करते हैं। और अमेजोन अलेक्सा के साथ काम करेगा, साथ में आप गूगल असिस्टेंट के साथ भी काम करेगा। आप वॉइस के द्वारा भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं भी अलेक्सा के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेड फॉर इंडिया। उसके बाद वाईफाई है, फिर डिमेबल है, मिलियंस ऑफ कलर्स इसमें लिखा है। डिमेबल मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका जो कलर्स है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, ऐप्स के द्वारा आप लोग ये सब कर सकते हैं। और इसमें देखा है, इसके लिए सबके लिए आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है हेलोनिक्स स्मार्ट वाईफाई। इसको आप ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से, दोनों में कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों में से बढ़िया से काम करेगा। और इस तरफ देखें तो इसमें प्राइस वगैरह लिख के रखा है, देख सकते हैं आप लोग 2500। बट ये आप लोगों को अमेज़ॉन में मिल जाएगा 599 में। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज किया था। तो फ्रेंड्स, ये इसका बेसिकली डाटा इतना था, बाकी मैं आप लोगों को ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, उसको कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल में कनेक्ट कैसे करते हैं, सब दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार। और फ्रेंड्स, इसमें दो टाइप का आता है, ये देखिए B22D E27। आपको ये मैं खोल के दिखाता हूँ पहले। इसमें मतलब क्या है, इसका जो होल्डर का ये है डिज़ाइन है, एक तो इस तरफ का आता है और एक सूरीदार टाइप का आता है जो घुमा के मतलब नट टाइप का जैसे टाइट करना पड़ता है, उस टाइप का एक आता है। तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो मैंने इसी को लिया है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा बल्ब। और इसमें एक डॉक्यूमेंट्स के नाम पे एक दे रखा है, जिसमें आप लोग ये देख के इसको कैसे सेटअप करते हैं ये वगैरह देख सकते हैं। लेकिन ऐप्स डाउनलोड करने पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप्स में ऑलरेडी सब कुछ दिया रहता है। आप लोग ऐप्स में जैसे बताते हैं उस टाइप से करके जाना है। तो फिर भी एक बार दिखा देते हैं, जैसे ये सब देखिए इसमें दे रखा है, ऐप्स में जैसा आएगा इसमें भी बस ऐसे दे के रखा है। आप लोग ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से बढ़िया से आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लाइट को वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। एक बार मैं इसको आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ अलेक्सा के साथ, और मोबाइल में ऐप्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसका जो सेटिंग्स वगैरह है क्या है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल में हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपना एंड्रॉयड फ़ोन पे इसको इंस्टॉल कर लिया ऐप्स को। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जाना है और रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको इसमें ईमेल आईडी मांगेगा, इसमें ईमेल आईडी डाल देना है, और इसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। और मैं ऑलरेडी इसको खोल के रखा हूँ अपना दूसरे फ़ोन पे, मैं इसमें आईफोन में भी इसको यूज़ करके देखा हूँ, इसमें भी खोल के देखा हूँ। तो आप iOS हो या एंड्रॉयड दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कन्फर्म करूँगा, और इसमें अभी बस पासवर्ड डालने से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले टाइम खोलेंगे तो उसको क्या एक OTP आएगा ईमेल में, फिर OTP को डालना है, फिर पासवर्ड डाल के अपना ये सेटअप करना है। तो मैं बस अपना सिंपली इसमें पासवर्ड डालूँगा और ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लॉगिन हो गया। अभी हमको से ये बस ये बल्ब जलाना है, तो हमने ऐप्स का काम कर दिया, अभी हम इसको बल्ब को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पहले एक बार कनेक्ट कर चुका था। तो ये आप लोगों के एक बार कनेक्ट होने के बाद मोबाइल बस मोबाइल ऑन रखना है, और आप स्विच ऑन करते ही ये अपने आप इसको कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बस इसमें क्लिक किया हूँ और इसमें जाके अपना बल्ब का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसको बल्ब कलर चेंज कर सकता हूँ। कनेक्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स है, आप स्टेप्स वाइज करके जाना है, इजी कनेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया इसमें।
और एक बार आप कनेक्ट कर लेगा मोबाइल में, उसके बाद आप जैसे ही मोबाइल को ऑन रखना है और स्विच ऑन कर देना लाइट का, तुरंत अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो और अभी मैं इसमें ये देखिए इसका ब्राइटनेस वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, और इसके कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, जैसे ये देखिए कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें से आप मैन्युअली ऐसे कर सकते हैं आप कौन सा कलर सही है क्या सही है। कैमरा में तो सही से इसमें थोड़ा कलर डिफरेंट नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ही अच्छे अच्छे कलर आ जाएगा आप लोगों को, इसमें बस ऐसे घुमाना है। और एक बार मैं आप लोगों को अलेक्सा के साथ भी दिखा देता हूँ। अलेक्सा लाइट कलर रेड, ओके ये देखिए अलेक्सा ने ओके बोल दिया और लाइट का कलर तुरंत चेंज हो गया। मैंने इसको अलेक्सा के साथ भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने अलेक्सा को ऑन किया करंट में लगा के और अलेक्सा ऐप्स को ऐसे इसको ऑन करके रखा हूँ, और इसके साथ एक बार मैं कनेक्ट कर दिया तो ये देखिए इसमें ऑन हो गया। तो बस अभी अलेक्सा को आप जो भी बोलेंगे ऑफ करने के लिए बोलेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अलेक्सा लाइट ऑफ, ओके ये देखिए अलेक्सा ने लाइट को ऑफ कर दिया बिना कुछ, हमको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ मेरा इधर है, बस आपको बोलना है अपने आप वो काम करेगा। जैसे ऑन करना है अलेक्सा लाइट ऑन, ओके अलेक्सा लाइट कलर ग्रीन, ठीक है देखो आप इसको कैसे भी बोलेंगे तो वो कर देगा। अलेक्सा अलेक्सा लाइट को ऑफ करो, ठीक है बस आप ये हिंदी में भी बोलेंगे तो, ये तो हिंदी और इंग्लिश दो ही सपोर्ट करते हैं, तो आप हिंदी में भी बोल के इसको काम करवा सकते हैं। जैसे ज़रूरत नहीं बोल लीजिएगा अलेक्सा ऑफ कर देगा लाइट को, और जैसे आपको ज़रूरत है जो भी कलर चाहिए बस अलेक्सा से बोलना है वो अपने आप इसको ऑन कर देगा। और फ्रेंड्स आप लोग इसमें देखिए शेड्यूल तैयार कर सकते हैं कितने बजे आपको ऑन चाहिए ऑफ चाहिए, इसमें आप ऐसे सेट करके रखेंगे तो अपने आप उसी टाइम पे ऑन होगा उसी टाइम पे ऑफ होगा, तो ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग को वाईफाई ऑन रखना है और यहाँ से सिंपली इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसी से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप मोबाइल से भी लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं और अलेक्सा को बोल के भी कर सकते हैं। अलेक्सा लाइट ऑन। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।